सिरोही में ओटाराम देवासी के समर्थकों ने उन्हें राज्य मंत्री बनाए जाने पर खुशियां जताई हैं। समर्थकों ने पटाखे फोड़कर खुशी जताई और मिठाई बांट के खुशी का एक दूसरे के साथ इजहार किया। इस मौके पर भाजपा के नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। ओटाराम जी के मंत्री बनने के बाद में बहुत ही खुशी का माहौल है। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, आम जनता भी मिठाई खिला रही है, खुशी मना रही है। और अब की बार सबको आस जगी है कि माननीय ओटाराम जी बहुत बढ़िया काम करेंगे यहाँ पे। ओटाराम जी की जो मंत्री परिषद में शामिल करने की जो चर्चा थी वो कहीं पर भी नहीं थी, आज अचानक से जानकारी मिली कि ओटाराम जी को मंत्री बनाया गया, क्या आपको अपेक्षा थी कि वो मंत्री बनाए? हमें पूर्ण विश्वास था क्योंकि ओटाराम जी पहले भी मंत्री रह चुके हैं और उनके पास में जो अनुभव है उस अनुभव के लिए उनको 100% लिया जाएगा, ये हमें पता था। और ओटाराम जी वैसे भी 36 कौम के नेता है, वो केवल एक समाज के नहीं है और सबको साथ में लेके चलते, इसी खूबी के कारण उनको मंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल में क्या मंत्रालय मिलने की संभावना है, क्या अपेक्षा है आपकी, कौन सा मंत्रालय मिलेगा? मंत्रिमंडल में मंत्रालय भले कोई भी मिले, हमें ये है कि उनको मंत्री बनाया गया है तो इस क्षेत्र का तो विकास हो गया ही होगा, इसके साथ में राजस्थान के अंदर भी उनके जो अनुभव है उनका फायदा मिलेगा। आपके क्षेत्र में कौन से विकास के कार्य ऐसे हैं जिनको ये प्राथमिकता के साथ में करवाना चाहिए आपको? सिरोही के अंदर जो कार्य कांग्रेस के राज के अंदर संयम लोढ़ा नहीं करवा पाए थे, जो हमारे नोटिस में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन्होंने केवल उन्होंने उन कार्यों को ही करा था जो केवल दिखावे के मात्र थे, जनता के जन कल्याण के कोई कार्य नहीं हुए थे। हम चाहते हैं कि जन कल्याण के कार्य और ऐसे कार्य हो जिससे जनता को डायरेक्ट फायदा मिले।